ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 121 देशों की सूची जारी की गई, उस 121 देशों में से भारत जो है वो 107वें पायदान पर है। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान जो है वो 99वें पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें वहां पर बांग्लादेश की और तो वो 84 पे है। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की तो वो 81 पर है, ठीक है। तो 21 देशों की सूची में जिस पाकिस्तान को हमने अपने देश से मुल्क से निकालकर उस पाकिस्तान का निर्माण किया 1947 में, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान इस देश से निकला। उसके बाद में बांग्लादेश 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हम लोगों ने किया। लेकिन आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इस सूची के अंदर जो है वो हमारे से पीछे हैं, हम लोग आगे हैं। लेकिन मोहित जी जब मनमोहन सिंह जी थे तो 51 पे था, अब आगे बढ़ा है ना। हाँ, तो आप बिल्कुल अभी 107वें पे पहुँचाए। एक बार और मौका दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी को 121 देशों की सूची में, मोदी जी आपको 121वें पायदान पे ही लाकर खड़ा कर देंगे। तो आपको अगर फुर्सत हो ज्ञानवापी के मुद्दों से, अगर उनको फुर्सत हो मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से, उनको फुर्सत हो कि हिजाब ओढ़ा जाए या माथे पर तिलक लगाया जाए या फिर गमछा पहना जाए भगवा, इससे फुर्सत हो तभी तो देश की गोदी मीडिया आपके और हमारे लिए सोचेगी, देश के अंदर बढ़ रही भुखमरी की हालत को लेकर सोचेगी। लेकिन देश की गोदी मीडिया के पास में फिलहाल इतने सारे काम है क्योंकि गुजरात का चुनाव सर पर पड़ा हुआ है इनके। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है ना, मोदी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो 2 रुपए बढ़ाए गए हैं, आप सभी ने देखा कि अमूल दूध के ऊपर जो है वो 2 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन गुजरात के अंदर अमूल दूध पर 2 रुपए नहीं बढ़ाए गए। मैं सबसे पहला सवाल सरकार से ये करना चाहता हूँ कि क्या गुजरात के अंदर के लोग इतने गरीब हैं कि पूरा देश इतना अमीर हो चुका है लेकिन गुजरात के लोग गरीब है जो दूध के बढ़े हुए पैसे नहीं दे सकते। मोहित शर्मा, हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत 107वें नंबर पर है। तो मैं आप सभी से यही तो कहूंगा कि आप खुशी मनाइए, दिवाली के अवसर पर मोदी जी ने आप सभी का दिवाला निकाला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि 121 देशों की सूची जारी की गई, उस 121 देशों में से भारत जो है वो 107वें पायदान पर है। और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान जो है वो 99वें पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें वहां पर बांग्लादेश की और तो वो 84 पे है। उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की तो वो 81 पर है, ठीक है। हम आपको सीधे तौर पर बता देते हैं कि 107वें पायदान पे जो है भारत है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी भुखमरी के मामले में। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो 107वें पायदान पर आ चुका है 121 देशों की सूची में। जिस पाकिस्तान को हमने अपने देश से मुल्क से निकालकर उस पाकिस्तान का निर्माण किया 1947 में, जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान इस देश से निकला। उसके बाद में बांग्लादेश 1972 में बांग्लादेश का निर्माण हम लोगों ने किया। लेकिन आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इस सूची के अंदर जो है वो हमारे से पीछे हैं, हम लोग आगे हैं। हम लोग आगे किसी बढ़त में नहीं है, आगे आर्थिक स्थिति के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, डेवलपमेंट के या एजुकेशन के मामले में आगे नहीं है। हम मामले में आगे हैं सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी भुखमरी के मामले में हम 107वें पायदान। लेकिन मोहित जी जब मनमोहन सिंह जी थे तो 51 पे था, अब आगे बढ़ा है ना। हाँ, तो आप बिल्कुल अभी 107वें पे पहुंचाए। एक बार और मौका दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी को 121 देशों की सूची में, मोदी जी आपको 121वें पायदान पे ही लाकर खड़ा कर देंगे। तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है भुखमरी में, देश आगे बढ़ रहा है और आपको हंसी की सूझ रही है, कैसी बात कर रही है। आज देश के अंदर इस प्रकार का माहौल है कि लोग भूख से मर रहे हैं। आप देखिए हर साल इस देश के अंदर लोग भूख के कारण मरते हैं, कई लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सड़क पर भूखा सोने को मजबूर हैं। देश के अंदर भुखमरी का यह हालत है, तभी तो भारत 121 देशों की सूची में 107वां स्थान हासिल करके लाया है। मोदी जी जैसे जी कहीं तो दिखाई नहीं दिया। नहीं नहीं दिखाएंगे क्यों भाई, देश की गोदी मीडिया को अगर फुर्सत हो ज्ञानवापी के मुद्दों से, अगर उनको फुर्सत हो मंदिर और मस्जिद के मुद्दों से, उनको फुर्सत हो कि हिजाब ओढ़ा जाए या माथे पर तिलक लगाया जाए या फिर गमछा पहना जाए भगवा, इससे फुर्सत हो तभी तो देश की गोदी मीडिया आपके और हमारे लिए सोचेगी, देश के अंदर बढ़ रही भुखमरी की हालत को लेकर सोचेगी। लेकिन देश की गोदी मीडिया के पास में फिलहाल इतने सारे काम है क्योंकि गुजरात का चुनाव सर पर पड़ा हुआ है इनके, ठीक है।
मैं आपको बता दूं कि जिस दिन देश की गोदी मीडिया सवाल करने लगती है सरकार से, तभी मैसेज इनके पास में आ जाता है कि आपके पेटीएम पर इतने पैसे ट्रांसफर हुए, और उसके बाद ये सीधा हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही इनके पास पैसा आता है, दलाली आती है, उसके बाद इनों का एक ही एजेंडा है, देश की गोदी मीडिया से आप कोई उम्मीद कोई आशा इस नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप, समझना क्या चाहते हैं? समझ आप सकती नहीं है, क्योंकि अगर आप मोदी जी के दिमाग से समझेंगी तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगी। और अच्छा, ये फिल्मी डायलॉग कि कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। भारत 121वें स्थान में से 121 देश की सूची में 107वें पायदान पर है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है, आप कह रहे हैं। अरे भैया मीडिया जनता भी तो सड़कों पर, जनता कहीं सड़कों पर। बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है ना, गोदी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से स्थान पर है देख लीजिए। ये भारत के पड़ोसी देश हैं सारे, चीन, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आंख खोल कर देखिए जरा। लेकिन भूटान से तो भारत ऊपर है ना। किससे? भूटान। अरे भैया फिर तो आप अफगानिस्तान की बात भी कर लीजिए कि अफगानिस्तान से भी तो भारत ऊपर है। तो आप ये बताइए ना मुझे, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मनमोहन सिंह जी के समय पर हम कहां थे, आज हम कहां हैं? वाजपेयी जी के टाइम पर भी हम कहां थे और आज हम कहां हैं? मैं किसी सरकार की या तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि माननीय वाजपेयी जी ने उस समय पर इस देश का शासन काटा जब देश की स्थिति खराब थी, लेकिन तब भी देश कभी ऐसी स्थिति पे नहीं पहुंचा जैसी स्थिति पे आज लाकर इन लोगों ने खड़ा कर दिया है 107वें पायदान। लेकिन जनता कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है। दूसरी बात ये मेरी बात को आप सुन लीजिए, पूरे देश के अंदर जगह जगह पर आपने देखा होगा कि अमूल दूध के ऊपर जो है वो 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। आप सभी ने देखा कि अमूल दूध के ऊपर जो है वो 2 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन गुजरात के अंदर अमूल दूध पर 2 रुपए नहीं बढ़ाए गए। मैं सबसे पहला सवाल सरकार से यह करना चाहता हूं कि क्या गुजरात के अंदर के लोग इतने गरीब हैं कि पूरा देश इतना अमीर हो चुका है लेकिन गुजरात के लोग गरीब हैं जो दूध के बढ़े हुए पैसे नहीं दे सकते? या फिर गुजरात में पैसे क्यों नहीं बढ़ाए गए? उसके पीछे का कारण यह है कि आने वाले वक्त में गुजरात के अंदर चुनाव है, सरकार गुजरात को दिखाना चाहती है, गुजरात में कोई भी महंगाई नहीं दिखाना चाहती है, दिखाना चाहती है कि गुजरात में पेट्रोल डीजल के भाव सब नॉर्मल है। लेकिन एक बात में ये स्पेशल मैसेज सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए है कि आप लोगों के यहां पर चुनाव है, हम सबका तो दिवाला निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आप लोग हैं जो उस दिवाले को निकलने से रोक सकते हैं। आप अगर मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देंगे तो आपका दिवाला निकल, पूरे देश का दिवाला निकलने से बच सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी गुजरात के अंदर ना तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे, ना डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे, और ना ही दूध के दाम बढ़े। आपने देखा ना कि गुजरात के अंदर, गुजरात को छोड़कर पूरे देश में दूध के दाम बढ़े, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़े, क्योंकि अगर गुजरात में बढ़ेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। सुन लीजिए, लेकिन जैसे ही गुजरात का चुनाव समाप्त होगा, रिजल्ट अनाउंस होगा, मैं गुजरात के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप याद करिए अपने उन पूर्वजों को, आप याद करिए सरदार पटेल को, आप याद करिए महात्मा गांधी को, जिन्होंने इस देश के कातिर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये गुजरात वो भूमि है जहां पर सरदार पटेल के नाम से गुजरात को जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम से इस गुजरात को जाना जाता है। ये गांधी और पटेल का गुजरात है। तो गांधी और पटेल के गुजरात में रहने वाले गुजराती भाइयों से मेरा निवेदन है कि ये जो दो नकली गुजराती बहरूपीय घूम रहे हैं देश में, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, आप इन पे कृपया कर लगाम कसने का काम करें, नहीं तो दिवाली के बाद ये पूरे देश का दिवाला निकाल देंगे और देश की स्थिति वो कर देंगे कि अभी तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पायदान पर हैं, मोदी जी हमें 121 देशों की सूची में 121वें स्थान पर ही लाके खड़ा कर देंगे। ये मैं आपको आज बात लेकिन मोदी जी कहते तो हैं गरीबी खत्म कर रहे हैं और आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कोई गरीब तो नहीं सोता ना। ये डाटा जो है ना, जो आपके सामने आ रहा है, अगर यही डाटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता तो हम 121 देशों की सूची में होते ही नहीं। लेकिन ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये 121 देशों की सूची होती है जो कि बाहर से जारी होती है, ये भारत देश में नहीं बनती है, वरना भारत देश की गोदी मीडिया तो तुरंत कह देती ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो हम है ही नहीं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे आज वाक्य में ही कोई भी चर्चा इस देश में नहीं हो रही है। देश की गोदी मीडिया के पास हिंदू मुसलमान को लड़ाने के सिवाय और मंदिर और मस्जिद के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है। ये तो मैं आपको एक छोटी सी बात इस देश के अंदर बता दूं, ये तो इस देश की खुशनसीबी है कि इतने वक्त से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश पे नहीं आ पाई, वरना अगर जैसे लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं, अगर ऐसे लोग इस देश के अंदर आजादी के समय पर कुर्सी पर होते तो मैं आज आपको बता रहा हूं शायद ये मुल्क आजाद नहीं हो पाता। और जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के खातिर फांसी के फंदे को चूमा, ये लोग उन लोगों का सम्मान नहीं करते। ये लोग तो मानते हैं सावरकर जैसे माफी वाले लोगों को, ये कभी भगत सिंह की बात नहीं करते, ये कभी गांधी की बात नहीं करते, ये कभी सरदार पटेल की बात नहीं करते, ये कभी राजगुरु सुखदेव की बात नहीं करते, ये उन तमाम लोगों की बात नहीं करते जिन्होंने इस देश को स्कूल देने का काम किया, ये कभी सावित्रीबाई फुले की बात नहीं करते, ये कभी ज्योतिबाई फुले की बात नहीं करते, ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं करते। ये बात करते हैं तो मंदिर और मस्जिदों की, ये बात करते हैं तो सिर्फ दंगों की, ये बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की, ये बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने की। बस इनके पास एक ही एजेंडा है कि कभी लोगों का ध्यान भटकाओ आप हिजाब के नाम पर, कभी लोगों का ध्यान भटकाओ आप आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार के नाम पर, कभी लोगों का ध्यान भटकाओ आप चालीसा और हनुमान चालीसा के नाम पर, कभी लोगों का ध्यान भटकाओ आप मस्जिद और मस्जिद के लाउड स्पीकरों के नाम पर, लेकिन शिक्षा एजुकेशन के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से फेल और असफल रही है। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि खाओ और खुद ही खाओ, जनता को मत खाने दो, जनता मरती है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 160वें पायदान पर हैं, लेकिन समय रहते अगर हम नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम 121 देश की सूची में 121वें स्थान पे आ जाएंगे सिर्फ इन्हीं नेताओं की। वही तो अडानी जी नंबर दो बन गए, अडानी नंबर दो इसलिए बन गए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो नकली गुजराती घूम रहे हैं जो पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आज आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से लगातार जगह जगह मॉल खोले जा रहे हैं, अब मॉल के अंदर क्या है, मॉल खुलने से जो है सिर्फ मॉल भी जो है वो अडानी साहब के बड़े बड़े कंपनी के जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो हैं वो लोग ये मॉल खोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं मॉल खुलने से क्या हो रहा है, मॉल के अंदर चीनी मिल रही है 24 रुपए किलो और बाहर जो दुकानदार है वो चीनी बेच रहा है 28 रुपए किलो, तो आप सोच लीजिए उस दुकानदार का काम खत्म हो जाएगा, वो दुकानदार के पास कोई चीनी लेने नहीं जाएगा, सब मॉल के अंदर ही जाएंगे। आपको तो हर चीज का विरोध करना सस्ता मिलता है, अभी मैं आपको उसको बता रहा हूँ, मेरे को आप एक चीज बता दीजिए। कल मैंने अपनी आंखों के सामने एक व्यक्ति को देखा जो व्यक्ति चाय बेच रहा था सड़क पे, जब मोदी जी बात करते हैं चाय और पकौड़े भी बेचने की, तो एक व्यक्ति सड़क पर चाय बेच रहा था अपना ठेला लगा के, कमेटी की गाड़ी आती है और वो आकर उसके चाय की दुकान को, गैस को, सिलेंडर को, ये पहले भी आपने देखा होगा जब नोएडा के अंदर एक गन्ने के जूस वाले के ठेले को ले जाया गया। हाँ। मैं सरकार से एक सवाल करता हूं कि अगर इन लोगों की इतनी हैसियत होती कि ये लोग दुकान खरीद के दुकान के अंदर लगा सकें तो ये दुकान पहले ही ले लेते। सरकार ने इन गरीब लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? सरकार मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दे कि ये लोग गरीब लोग जो अपना फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, सब्जी के ठेले लगाते हैं, ये कहां जाके अपनी ठेलियां लगाए जरा ये बताइए। बड़े बड़े बिजनेसमैनों के तो मॉल हैं, ठीक है ना, लेकिन गरीब आदमी के लिए इस देश में क्या है जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। उस गरीब आदमी के जब चाय के ठेले को उठाकर ले जाया गया तो उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी बात वहां सुनने वाला कोई भी नहीं था। हमने उससे बात भी करी लेकिन कमेटी की गाड़ी उतने में उसका गैस और सिलेंडर लेके वहां से जा चुकी थी। लेकिन वहीं पास में और भी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी, बड़े बड़े मंत्रियों के आवास और कार्यालय भी थे, लेकिन उनके पास से कोई गाड़ी नहीं उठाई गई क्योंकि इस देश के अंदर हर चीज की मार सिर्फ गरीब के कंधों पर, लेकिन अमीर और बड़े बिजनेस व्यापारियों के लिए कोई मार नहीं पड़ती। जो चीज अवैध है वो तो हटानी पड़ेगी ना, अवैध दुकान जिसकी, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज अवैध है आप उसको हटाइए। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इस देश के अंदर सड़क पे फुटपाथ पे चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले गरीब दुकानदार और आम नागरिक के लिए सरकार ने क्या सुविधा कर रखी है, वो कहाँ लगाएं? इतनी बात कर रहे हैं, खाना तो दे रहे हैं ना गरीब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी अनाज दे रहे हैं, यानी आप मानती हैं कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं? हम क्या मानते, सरकार मानती है, सरकार का कहना, सरकार खुद ही डाटा दे रही है। फिर तो 80 करोड़ लोग अगर अनाज ले रहे हैं आपका, तो आप ये समझिए कि वो भुखमरी से जूझ रहे हैं, उनको परेशानी है। कभी आपने अडानी साहब को देखा राशन की लाइन में लगते हुए? अंबानी साहब को देखा है? गौतम अडानी को देखा होगा? अरे मोदी जी की माता जी को तो देखा ही होगा राशन की लाइन में लगते हुए, नोटबंदी की लाइन में देख सकते हैं, तो राशन की लाइन में भी दिखा दीजिए मोदी जी की माता जी को लगते हुए, ठीक है ना? तो कभी आपने कभी देखा है? कभी शिवराज सिंह चौहान कभी लाइन में लगे हो? कभी देखा है?
अमित शाह का बेटा जय शाह राशन लेने जा रहा हो राशन की दुकान पर, कभी आपने सोचा है कि इस बात के लिए कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा वह विदेश से LLB करके आ रहा है और यहाँ दिल्ली यहाँ पर राशन की लाइन में लग रहा है मध्य प्रदेश के अंदर राशन की दुकान पर? अरे वो तो कभी कभी देखा है इससे पहले? गरीबों के लिए है ना? सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गरीबों के लिए है ना, तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आप मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर गरीब? हम नहीं, सरकार मानती है। सरकार को तो मानना चाहिए, तो आप कैसे कहते हैं कि इस देश में गरीब नहीं है? गरीब तो 80 करोड़ आदमी। हर भाषण में मोदी जी खुद कहते हैं गरीबी नहीं है हमारे देश में। अरे मोदी जी तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी तो जो हैं वो असत्य के सौदागर हैं, वो झूठ बोलने में माहिर हैं, असत्य को बेचने का काम करते हैं, झूठ के व्यापारी हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद की, लेकिन झूठ बोलने वालों का सम्मान नहीं करता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।